अजीब भ्राता श्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राता श्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। कैरो वत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स, ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं। मेरे दादा श्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल, इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मैला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राता श्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, प्रणाम। दादा अर्जुन, प्रणाम। नकुल सहदेव और तुम्हारी दादी द्रौपदी, प्रणाम दादी श्री। आयुष्मान बाबा, बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मलयुद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दादी श्री हिडिम्बा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री
जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूँ तब से उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती है। घोड़े के टापों की आवाज। भ्राताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री। ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। ओम नमः। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु, जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं। इन्हें स्वीकार करो पुत्र, ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्ध भूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन तीन बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए, भीम रसोईया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध होगा बड़े भैया, अवश्य होगा। युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास, मेरा शांति प्रस्ताव विफल हो गया। मामा शकुनी के द्यूत के पासे अब जुए की बिसात से निकलकर नरसंहार का नृत्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने नेत्रहीनता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्र मोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। मैंने आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। हे केशव, सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सौंपता हूं माधव। प्रश्न अब केवल न्याय संगत अधिकार का नहीं है महाराज, अब प्रश्न है धर्म का, और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूंगा और यही कहूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाओ अपना गांडीव। हे गदाधारी भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा।
जब जब राजनीति करने वाले लोग असंवेदनशील होंगे तब तब शस्त्र उठेगा। ये युद्ध होगा सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। इसलिए ये धर्म युद्ध है जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। हे मधुसूदन, अंतिम सांस लेती मेरी प्रतिशोध की ज्वाला को आपने पुनर्जीवित किया है। हे नरश्रेष्ठ, ये आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी इन खुले केशों के साथ। यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। कृष्ण, तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाति का अपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी। उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा, होंगे केवल गिद्ध। कुमार बरबरेक के, 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 कुमार बरबरेक के। दादीश्री बरबरेक। दादीश्री, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं, सो मैं यहाँ चला आया। बैठ जा पुत्र। बरबरेक, विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतीक्षा ही लिख दी है। कभी अपनों की प्रतीक्षा उम्र भर, तेरे दादा की प्रतीक्षा, और अब तेरी प्रतीक्षा। दादीश्री, आपकी यही प्रतीक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है। आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके बरबरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बरबरीक, प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई? मैं दिन रात तुम्हारी ही चिंता में थी। आप मेरी जननी हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादी तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस कार्य हेतु वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था वो पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे सिद्धियां प्रदान की। धन्य है माता। दादी, वन में मेरी दादाश्री, दादी द्रौपदी तथा समस्त पांडव कुल से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादीश्री, वो कह रहे थे कि उनका ज्ञातवास चल रहा है, यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। मैं समझा नहीं दादीश्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव कौरव में लड़ाई छिड़ गई है। छल बल कौरव का धर्म है, पांडव का सत्य अहिंसा कर्म है। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है, इधर केवल 5 पांडव, तेरे पिता और श्री कृष्ण हैं। निश्चित रूप से विजय कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है। मेरे होते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर लें, उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तू अभी एक बालक है, इतने बड़े योद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वरदान के स्वरूप मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, जो किसी भी शत्रु को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। किंतु पुत्र। माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा। मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं केवल उसी की सहायता करूंगा। मेरे ये बाण
केवल हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे। पुत्र मौरवी, इसे मत रोको, आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत कर आओ और इतिहास बनाओ। सदा हारे का सहारा बनो। युवक, पता नहीं तुम मित्र हो या शत्रु, किंतु वीरता तुम्हारे अंग अंग से झलकती दिखाई पड़ती है। तुम यहाँ किस पक्ष को अपना समर्थन देने आए हो? मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, इस समय तो मैं युद्ध को निकट से देखने की अनुमति लेने आया हूँ। वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी युवक, ये धर्म युद्ध है। कोई भी योद्धा बिना दबाव के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है। विचार करने की बात तो मात्र ये है कि कौन सा पक्ष धर्म कौन सा अधर्म की ओर है। सुना है इस युद्ध में इतने महारथी इकट्ठा हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सत्य है युवक, केवल ये बताओ कि तुम अपना समर्थन किस पक्ष को दोगे। मैं तो सदैव निर्बल के पक्ष में हूँ, मैं पराजित का मित्र हूँ। ये दैव्य गुण है, मानवीय नहीं। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? मैं स्वयं एक सेना हूँ, मैं अकेला ही युद्ध करके किसी भी सेना को परास्त कर सकता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व विचित्र है युवक, सत्य तो प्रदर्शन के पश्चात ही सिद्ध होता है। मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का प्रधान सेनापति, तुम्हें अपने क्षेत्र से युद्ध देखने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद, मुझे पांडव पक्ष से यही अपेक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना के महारथियों से प्रश्न किया है कि उनमें से कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वध कर सकता है। पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास, द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन तथा कर्ण ने 6 दिनों में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की है। केशव, आपका तात्पर्य क्या है? यही प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि आप में से कौन कितने दिनों में समस्त कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। वसुदेव, पितामह भीष्म और अन्य महारथियों का युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा करना निराधार है, और हमारे शिविर में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, और यदि चाहें तो अकेले ही सारे कुरु सेना का नाश कर सकते हैं। पर हे वासुदेव, जहां स्वयं आप हैं वहां पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर भी अगर चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो सुनिए वासुदेव, महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। महाराज, एक विचित्र युवक आया है, उसकी बातों में बड़बोलापन है किंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध क्षेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूं। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। नहीं पार्थ, युवक है, युद्ध की बात करता है, चलकर देख तो लो उसे। युवक, गुरुदेव, आप सुहृदय? प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री।
विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ। गुरुदेव, ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धम्बिका और भगवान शिव ने दिए हैं। इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती? वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो? हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निसंदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा
और पराजय का अर्थ है पांडवों में से दो तीन की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें, तो बर्बरीक अपने दो ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो आप क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो वाण महादेव ने स्वयं बर्बरी को दिए हैं तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा यह युद्ध की दिशा बदल देगा। यह धर्म युद्ध है, धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भवा। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र, कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की सोर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र दो क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है, आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी, मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव, क्या यही आपकी चिंता है? तो है जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, एक सारथी तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूं। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी,
ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोची मत प्रभु, उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी माँ को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से यह शीश आपको सौंप रहा हूं तो यह हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे, यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी। पुत्र घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया। उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे वाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामा श्री, दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात? अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है, अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। पुत्र बर्बरी, पौत्र ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा? हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरी से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव, और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीश दान किस कारण मांगा मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा।
और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है, इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रभु कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीश दान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी दो इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। Thank you.
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध का संचालन किया और इसीलिए हमें विजयश्री का प्रसाद मिला। बड़े भैया, इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन का वध यदि मैं न करता तो यह युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता था। मजले भैया, यदि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर नहीं लेते होते तो विजय हमसे कोसों दूर होती। किस बात पर इतना विवाद चल रहा है? कृष्ण, तुम ही बताओ कि इस युद्ध में विजयश्री का मुकुट किसके शीश पे रखना चाहिए? ये तो बड़ा बिकट प्रश्न है भीम भैया। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो केवल पार्थ का सारथी था। लेकिन एक महान योद्धा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। उस महादानी, उस शीशदानी से अवश्य पूछ सकते हैं। चले चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। हे शीशदानी, तुमने महाभारत युद्ध देखा? हाँ नारायण, संपूर्ण देखा। तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र। ना जाने किस आधार पर आप सब अपने आप को इस युद्ध का नायक मान रहे हैं। आप बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने असत्य भाषण करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। मेरे पितामह भीम, आपने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दादा दुर्योधन का वध किया। गांडीवधारी आप, आपने तो युद्ध से पूर्व ही गांडी फेंक दिया था। पितामह भीष्म को आपने शिखंडी का आश्रय लेकर बाणों की शैया पर सुलाया। दादा करण से आपके प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पिता घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दी। नहीं, आप में से कोई भी नहीं है। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुदेव श्री कृष्ण केवल दादा अर्जुन के सारथी नहीं, इस महायुद्ध के सारथी थे। कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, हमें क्षमा कीजिए। अहंकार विवेक का शत्रु होता है। हे केशव, युद्ध में यदि आप हमारे साथ ना होते तो कदापि हमें विजय प्राप्त ना होती। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना।
वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।